नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है प्रोटीन को लेकर। प्रोटीन की काफ़ी सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आज क्या खास है इस वीडियो में, आज मैं बताऊंगा कि जो आप प्रोटीन खाते हैं, वे प्रोटीन खाते हैं जो आप डिब्बा लेकर आते हैं 2000 का, 5000 का, 10000 का, जो भी लेकर आते हैं, तो कैसे इस्तेमाल होना चाहिए उस चीज़ का। बहुत से कहते हैं जी मैं डिब्बा खा रहा हूँ और मुझे बॉडी बनती हुई नहीं दिख रही है, सप्लीमेंट ले रहा हूँ बॉडी बनती हुई नहीं दिख रही है, और उस कंडीशन में वो क्या करते हैं ना, ब्रांड चेंज कर चले जाते हैं। अभी क्या हुआ, मसल ब्लेज का खा रहे थे एक महीने दो महीने, कह रहे नहीं यार कुछ फ़र्क नहीं लगा, इस बार मैं ले आऊँगा एज इट इज़ का। दो महीने खाया एज इट इज़ भी बेकार लगा, अब के मैं लाऊँगा भाई रो वे प्रोटीन। अब रो वे प्रोटीन लूँगा, फिर दूसरी कंपनी ले आऊँगा, फिर मैं नाइट्रो का ले आऊँगा, फिर मैं किसी और कंपनी का ले आऊँगा। ऐसे करते करते आप पता नहीं कितने डिब्बे खा चुके होते हैं और आपको आराम बिल्कुल नहीं लगता। कारण क्या है कि आप ब्रांड चेंज करते हैं। देखिए, आपको बुखार हुआ है और आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने उससे दवाई ली एक दिन की, बुखार उतरा लेकिन शाम को फिर चढ़ गया, क्योंकि बुखार कम से कम 3-4 दिन रहता ही है नॉर्मली जो वायरल होता है। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, वहाँ से भी एक दिन दवाई ली, फिर तीसरे के पहुँच गए। तो दोस्तों ऐसे आराम तो नहीं लगेगा। जो पहली बार जहाँ आप गए थे तो उसी के पास जाइए ना कि जी आराम नहीं हुआ है, क्या वजह रही, वो दवाई बदल कर देगा, वो समझेगा। अब आप दूसरे के पास जाओगे फिर वही ट्राई करेगा पहले, फिर तीसरे के पास जाओगे वो ट्राई करेगा। ये चीज़ें गलत हैं, आप एक पर ही विश्वास करके चलिए। जब आप एक प्रोटीन का डिब्बा खा रहे हो तो ना आप उसी डिब्बे पर कंसंट्रेट कीजिए और फोकस कीजिए, यानी कि हमें इसी डिब्बे को खाना है। एकदम से बॉडी नहीं बनती है मेरे भाई, आप सोचते हैं कि मैं एक डिब्बा खाऊंगा बॉडी बन जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तकरीबन 1 साल या 2 साल खाना पड़ेगा डिब्बा, तब जाकर आपको प्रोटीन की जो वैल्यू तब समझ में आएगी आपको। दोस्तों मैं किसी सप्लीमेंट वाले के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जी आप सप्लीमेंट लीजिए आपकी बॉडी बन जाएगी, अच्छा है, नहीं, मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लीमेंट की ज़रूरत आपको है ही नहीं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जी आप कैसे प्रोटीन सोर्स जो होते हैं, आप कैसे आप घर से ही प्रोटीन ले सकते हैं उनसे, आपको बाहर का डिब्बा खाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए, कमेंट मेरे पास आया था कि जी मैं 2 महीने हो गए हैं सप्लीमेंट खा रहा हूँ, मसल ब्लेज का खा रहा हूँ और मेरी बॉडी नहीं बन रही है, कारण उसका क्या है, आप इसकी एक वीडियो बनाइएगा। तो उसी तरह के मेरे भाई और भी हैं जो सोचते होंगे जी 2 डिब्बे खा लिए 4 डिब्बे खा लिए बॉडी नहीं बन रही है। भाई आपने पहला डिब्बा खाया कितने रुपये का, 2000 रुपये का, और फिर आप कहते हो कि जी बॉडी नहीं बनी, मेरे पैसे ख़राब गए। तो पैसे तो आपने खुद ही ख़राब कर लिए, क्योंकि जब आप उसे खाना शुरू कर रहे हो, प्रोटीन लेना शुरू कर रहे हो ना, तो प्रोटीन फॉर आप आगे तक ले जाना है आपको, ये नहीं कि एक डिब्बा खाया ख़त्म कर दिया। बहुत से गलती करते हैं कि होता है कि हमें कम प्रोटीन लेना होता है, वो सुबह शाम प्रोटीन ही खाते रहते हैं कि मैं 2 स्कूप सुबह खा लूँगा 2 शाम को खा लूँगा बॉडी बन जाएगी। नहीं भाई, ऐसे बॉडी नहीं बनेगी, जो उसकी लिमिट है वो लीजिए आप। ज़्यादातर अधिकतर जो होता है ना, 1 स्कूप आपको सुबह लेना होता है, 1 स्कूप आपको शाम में लेना होता है। वे मास आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, वे मास का मतलब होता है कि जो आपको फैट बढ़ाता है, फैट आपको बढ़ सकता है, आप आलू लीजिए, उबले आलू खाइए, आप चावल खाइए, आपको इसी से फैट बढ़ता चला जाएगा आपका। तो फैट बढ़ाने के लिए आप डिब्बे क्यों ले रहे हो। देखिए सप्लीमेंट का मतलब क्या है मेरे भाई, जो आप खाने से चीज़ नहीं ले पा रहे वो आप डिब्बे में आपको सप्लीमेंट में मिल जाती है, उसे आप ग्रहण कर लेते हो, उसे आप ले लेते हो, उसे इंटेक कर लेते हो। लेकिन अगर आप खाना ले रहे हो, प्रॉपर ले रहे हो, यार आलू कौन नहीं खाता है घर में, सब खाते हैं, फिर आप क्यों ले रहे हो वेमास, चावल कौन नहीं खाता है, रोटी कौन नहीं खाता है, जब आप ये सब चीज़ें खा रहे हो तो वेमास क्यों ले रहे हो, वेमास में सिर्फ आप पैसों की बर्बादी कर रहे हो। हाँ, प्रोटीन का डिब्बा आप जो ले रहे हो वो समझ में आता है कि आप प्रोटीन खा रहे हो, वो समझ में आ रहा है, वो आप ले रहे हो। प्रोटीन जरूरी भी आपकी बॉडी बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, जब आप कसरत करते हो तो मसल्स जो आपकी होती है ना वो टूटती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं, उन्हें भरने के लिए, उन्हें रिपेयर करने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। आप प्रोटीन का डिब्बा लेकर आते हैं, उसका 1 स्कूप सुबह ले लेते हैं जिम करने के तुरंत बाद ही, जिससे कि वो जो बॉडी आपकी बननी शुरू हो जाती है, जहाँ से ब्रेक डाउन हुई है वो रिपेयर होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास डिब्बा नहीं है, उसका भी मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि डिब्बा भाई ज़रूरी नहीं है, वे प्रोटीन मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोयाबीन है, देसी चने हैं, काले चने जिन्हें बोलते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, आप दाल ले सकते हैं, किसी भी तरह की आप दाल खाएंगे आपको प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंडे हैं, नॉनवेज हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप डिब्बे से ही प्रोटीन लेना चाह रहे हैं, आप भागा दौड़ में रहते हैं, ज़्यादा लाइफस्टाइल आपकी बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, भागदौड़ वाली है, तब आप उस डिब्बे का इस्तेमाल करें। उस डिब्बे में आप सुबह शाम स्कूप एक एक लें, ज़्यादा आपको नहीं लेना है, एक्स्ट्रा लोगे टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाएगा, जितनी ज़रूरत है शरीर उतना ही अब्जॉर्ब करेगा भाई। अगर आप 3 स्कूप लोगे टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाएगा, आपको ज़रूरत है ही नहीं आपकी बॉडी को, ठीक है। तो 2 स्कूप आपको लेने होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा 4 डिब्बा यहाँ तक कि 5 डिब्बे खा के भी ये मत कहना कि मेरी बॉडी नहीं बनी है, क्योंकि जो ये बॉडी बिल्डर आप देखते हो ना, मेहनत होती है 3-3 4-4 साल की,
बड़ी जल्दी देख लेते हो, बॉडी बनी हुई है, कट्स निकले हुए हैं, एब्स निकले हुए हैं, लेकिन उनकी मेहनत आपको नहीं दिखती। मेहनत देखिए, ठीक है, मेहनत ज़रूरी है, वर्कआउट दिल लगाकर कीजिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशंस का ध्यान दीजिए, खाना अच्छा हेल्दी फूड लीजिए, फास्ट फूड कम कर दीजिए, एक हफ्ते में एक बार आप खा सकते हैं फास्ट फूड, ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रोटीन की बात है तो प्रोटीन भाई आपने शुरू कर दिया तो एक ही ब्रांड पर टिके, या तो मसल ब्लेज पर चलें, या फिर नाइट्रो पर चलें, या माइक्रो पर चलें, या फिर एज इट इज़ पर चलें, या फिर अदर ब्रांड है जो उन पर चलें, लेकिन आपको 2 से 3 साल बिल्डअप करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो अपने मन से ही निकाल दीजिए, 2 महीने हमारे खराब गए, खराब कुछ नहीं है भाई, चैन है जो चलती जा रही है। आज का भी जैसे एक पत्थर पर चोट मारते चलते हैं ना, तो आखिरी चोट पर पत्थर टूट जाता है, वो आखिरी चोट से नहीं टूटा भाई, शुरू से हमने प्रयास किया है, चोट मारते आ रहे हैं, तो शुरू से जो आप प्रोटीन खा रहे हैं वो आगे जाके आपकी बॉडी बिल्डअप होगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाले महीने में खाली बॉडी बन गई, 2 साल आपको जिम को देने ही देने हैं, जब आपको दिखे कि आपकी बॉडी अच्छी लग रही है, उसके लिए कह रहा हूँ मैं, फ़र्क दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन भाई एकदम से नहीं दिखेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है प्रोटीन का, बहुत स्लो, बहुत धीरे धीरे काम करता है। जल्दी से मत देखो कि बॉडी बिल्डर दिख गए, 2 महीने का जिम में बॉडी बना ली, अगर वो उसकी बॉडी बनी है ना तो प्रोटीन से नहीं बनी है, वो बनी है उसके स्टेरॉइड से, डायनाबोल जैसे कैप्सूल गोलियां खाते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई है उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए सारी वीडियोज़ आपको दिख जाएंगी। अगर आपका दोस्त, आपका कोई सगा संबंधी, कोई जानकार जिम जाता है, 2 महीने में उसकी बॉडी बन जाती है, तो उसकी बॉडी प्रोटीन से नहीं बनी है, उसकी बॉडी बनी है स्टेरॉइड से, जो कि हानिकारक होते हैं, आपको नपुंसक तक बना सकते हैं, आपको नहीं लेने हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड खाते हैं, बॉडी पंप हो जाती है, एकदम से फूल जाती है, 2 महीने बन जाती है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हैं फिर पिचक जाते हो। लेकिन अगर आप प्रोटीन से बॉडी बनाते हो तो आपकी बॉडी लंबी चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, और आपकी बॉडी जल्दी से लीन शेप में नहीं आएगी। तो दोस्तों, प्रोटीन के बारे में अगर जो कोई मिथक हैं, कोई आप किसी चीज़ के डाउट में थे, उस चीज़ को आप ये भुला दीजिए कि एकदम से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। हाँ, मेहनत करेंगे, वर्कआउट करेंगे, ज़रूर आपकी बॉडी बनेगी, टाइम लगेगा, अच्छी बॉडी बनाने के लिए टाइम चाहिए। दोस्तों, कोई भी अगर क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, कोई चीज़ पूछनी हो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।